हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फार्मा एग्ज़ाम चैनल पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर एमसीक्यूज करते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो जितने भी फार्मासिस्ट के होते हैं उन सब की प्रिपरेशन करते हैं। साथ में थ्योरी की भी क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। तो दोस्तों, अभी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो फार्मास्यूटिक्स के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो हम सब कवर करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज में। तो दोस्तों, बने रहिए फार्मा एग्ज़ाम चैनल के साथ। और जो कोई भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ना इसमें 50 क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में टोटल। तो इनमें से ओनली आंसर्स ही हम कवर करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं तो उनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो में। और 1 से 50 क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेनली विच पाउडर शोज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्ट एबिलिटी। तो इसमें आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम पाउडर। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, फार्मासिस्ट में। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक पाउडर पेपर विद नो मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी। तो वाइट बॉन्ड होता है इसका आंसर। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर मस्ट बी सप्लाइड इन। तो कौन सी फॉर्म में होता है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर सप्लाई इन ग्रेनुलर फॉर्म। दोस्तों, हम ना इसमें सारे ही मतलब डोसेज फॉर्म तो हमने कवर कर ही लिए हैं, तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं वो भी मैंने बताया है आपको। थ्योरी के लेक्चर्स में जाके वो वाली वीडियो देख लेना, डोसेज फॉर्म वाली, जिसने नहीं देखी हो। ड्रग्स कन्वर्टेड टू स्टेबल फॉर्म आर नोन एज। स्टेबल फॉर्म में ड्रग कन्वर्ट किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एपीआई, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ विच वन और टू लार्ज डोजेज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन ए सिंगल डोज कंटेनर इज नोन एज। तो 50 ml में क्या होते हैं? ये ड्रॉट्स होते हैं, वन और टू लार्ज डोजेज में दिए जाते हैं। बोरिक एसिड इज फ्रीली सोल्यूबल इन। तो बोरिक एसिड फ्रीली सोल्यूबल होगा वाटर में। द प्रिपरेशन इज इंटेंडेड टू बी फॉर इंट्रोडक्शन इन टू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज। डचिज होते हैं ये, हमने डचिज के बारे में भी बताया है आपको, डोसेज फॉर्म वाले वीडियो में देख लेना वो भी। वट परसेंटेज ऑफ बेंजोइक एसिड इज यूज एज प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड प्रिपरेशंस। तो 0.01% टू 0.02% बेंजोइक एसिड यूज की जाती है एज ए प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड प्रिपरेशंस। द लेबल सेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड ऑन द मिक्सचर कंटेनिंग। ये जो लेबल है, ये लेबल किस पे लगता है? तो डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट जिसमें होते हैं वहाँ पे सेक्वेल बिफोर यूज लेबल होता है। द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज। तो सॉल्यूशन में बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जल्दी वो मतलब अब्जॉर्ब हो जाएगा। विच लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज। तो ये होते हैं कोलोडियंस। विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ इज। तो लिंक्टसिज जो होते हैं वो विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, ये कफ के लिए यूज की जाती हैं। दोस्तों, ये भी हमने बताया हुआ है लिंक्टसिज के बारे में डोसेज फॉर्म वाली वीडियो में। विच फॉर्मुलेशन कंसिडर्ड एज एन ओरो फेरिंगिल फॉर्मुलेशन।
तो ये होती है माउथ वॉश। कैलामाइन आईपी इज, तो कैलामाइन की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज अ लिनिमेंट, लिनिमेंट के बारे में पूछ लिया। लोशन और लिनिमेंट का तो इम्पोर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो लिनिमेंट क्या होते हैं, लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विद फ्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड एरिया। लिनिमेंट होते हैं वो फ्रिक्शन के द्वारा, मतलब रबिंग के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं। द टर्म हाइड्रोट्रॉफी इज यूज्ड टू डिनोट इंक्रीज इन एक्वस सोल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स। द स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक टसिज शुड बी ऑन इट्स लेबल। तो क्या होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन लेबल पे, सिप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामिन लोशन सोडियम स्ट्रेट इज यूज एज, तो बफरिंग एजेंट होता है सोडियम स्ट्रेट। ग्लाइसरॉल मे बी यूज एज प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज ऑफ, तो ये होता है 50%। फ्लूड प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन होता है लोशन और विद फ्रिक्शन होता है लिनिमेंट, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। आयोडीन टिंचर कंसिस्ट, आयोडीन टिंचर में क्या क्या होता है, 2.5% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.5% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ पोटासियम आयोडाइड। बीटाडीन कंटेन्स 5% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फ्लूटिड बोटल आर यूज टू पैक, तो ये माउथ वॉश जो भी पैक किए जाते हैं वे फ्लूटिड बोटल्स में पैक किए जाते हैं। कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर सॉलिड लिक्विड फेजेज ऑफ मिक्सिंग। वट आर एलिक्जीर्स, एलिक्जीर्स क्या होते हैं, तो एलिक्जीर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है लेक्चर्स में, थ्योरी वाली क्लासेज जो होती हैं प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी थ्योरी क्लासेज के नाम से, तो थ्योरी लेक्चर्स। तो एलिक्जीर्स होते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस। अल्टरनेट टर्म्स फॉर एनिमा, एनिमाज को मतलब कि अदर वर्ड्स में क्या बोले, क्लिस्टर। सिंपल सिरप आईपी कंटेन शुगर, आईपी और बीपी इसका दोनों का अलग अलग होता है। तो आईपी में शुगर कितना होता है, सिंपल सिरप आईपी में 66.7%। ब्लैक फ्लूड इज, ब्लैक फ्लूड क्या होता है, होमोजीनियस कोल टार एसिड सॉल्यूशन। व्हाट इज रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट की जो परसेंटेज है वो याद रखना 95.6% इथेनॉल होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट में। विच सॉल्वेंट हैव बोथ फोटोजेनिक एंड फोटोफिलिक प्रॉपर्टीज, तो ये होते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। सिंपल सिरप यूएसपी कंटेन 85% वेट बाय वॉल्यूम शुगर, और आईपी पूछे तो उसमें बताना है 66.7% शुगर, सुक्रोज होता है, शुगर होता है। यूज ऑफ पोटासियम आयोडाइड इन आयोडीन सॉल्यूशंस इज, तो पोटासियम आयोडाइड क्या करता है, इट इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जो सोल्यूबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, एनहांस कर देता है। द डोसेज फॉर्म इन विच फ्लूड कंटेनिंग द ड्रग इज रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट आइदर लोकली और सिस्टमेटिकली, तो ये क्या होती है, सपोजिटरीज। लिनिमेंट डिफर फ्रॉम लोशन एज लिनिमेंट डू नॉट कंटेन, लिनिमेंट में क्या नहीं होता, सिंपल साल्ट्स नहीं होते, जैसे ZnSO4 हो गया, इस टाइप के साल्ट नहीं होते। स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट इज ए फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो ये होता है लोशंस।
Phenol phthalein, rhubarb powder and light kaolin are the example of. तो ये क्या होते हैं? Diffusible solids होते हैं. Example of indiffusible solid. Aromatic chalk powder जो होता है वो indiffusible solid का एक example है. The pH of a pharmaceutical buffer system can be calculated by. तो कौन सी इक्वेशन है जिससे हम pH कैलकुलेट करते हैं बफर फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम का? तो ये हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन. एक्सीपिएंट्स दैट इंक्रीजेज द एक्वस सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्युबल ड्रग्स आर. तो ये होते हैं सोल्युबिलाइजर्स. इन मोनोफेजिक लिक्विड्स द साल्टी टेस्ट इज ब्रॉट अबाउट बाय द यूज ऑफ. तो क्या होते हैं इसमें? मैपल. मैपल का यूज करते हैं साल्टी टेस्ट को मास करने के लिए. इन ए सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज. तो ये होते हैं 0.5 to 5 micron. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशंस. फ्लोकुलेटिंग एजेंट का एक एग्जाम्पल देना है जो कि सस्पेंशन में यूज किए जाते हैं. तो ये होता है सोडियम एल्जिनेट, ए क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड यूज्ड एज एंटी माइक्रोबायल इन सस्पेंशन इज. तो ये होता है सेट्रीमाइड. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इन कोर्स डिस्पर्जन द कंडीशन व्हेन नो क्लियर सुपरनाटेंट इज सोन ऑन स्टैंडिंग इज नोन एज. तो ये होते हैं फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम. सस्पेंसोइड इन सस्पेंशन फॉर्मुलेशन इज. तो ये क्या होता है सस्पेंसोइड? ये होता है एन एक्टिव ड्रग. द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ. द पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड सेटल्ड रैपिडली इजिली रिडिस्पर्सिबल आर नोन एज. तो ये क्या होते हैं? फ्लोक्यूल्स होते हैं. द सेडिमेंट कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड पार्टिकल्स पोजेसिंग ए स्केफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इज सीन इन. तो ये स्केफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में. पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन ऑफ. पॉलीमॉर्फिज्म किस में इम्पोर्टेंट है, किसकी फॉर्मुलेशन में इम्पोर्टेंट है? तो ये सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में इम्पोर्टेंट है. हिक्सोन एंड क्रोवेल क्यूब रूट लॉ इज रिलेटेड टू. तो ये होते हैं ड्रग डिजोल्यूशन के, ड्रग डिजोल्यूशन से रिलेट करते हैं. तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए इसमें. अभी बारी आपकी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो.